अंबेडकर की जयंती नवी मुंबई में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर रबाले के अंबेडकर नगर में पूर्व मेयर सुधाकर सुनावने द्वारा सांस्कृतिक झांकी निकाली गई, जिसमें हजारों लोग नाचते गाते हुए शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व नगर सेविका रंजना सुनावने भी मौजूद थी। देखे चल किया भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर आज रबाले के अम्बेडकर नगर में भव्य सांस्कृतिक झांकी निकाली गई। पूर्व महापौर सुधाकर सुनावने के नेतृत्व में निकाली गई इस सांस्कृतिक झांकी में हजारों स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने नाचते गाते हुए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ कई युवाओं ने अपना अनूठा कर्तव्य भी दिखाया और दलितों के मसीहा भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की। इस अवसर पर पूर्व नगर सेविका रंजना ताई सुनावने समेत तमाम स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पूर्व मेयर सुधाकर सुनावने ने कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत को जीने का सच्चा आदर्श प्रस्तुत किया है, जहाँ जाति पाति ऊंच नीच और छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद अब बाबा साहब आम्बेडकर के इन कथनों की प्रासंगिकता बढ़ गई है। सुधाकर सुनावने ने कहा कि यदि हम संविधान और सच्चाई के रास्ते पर चलें तो यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।